टू माई न्यूट्रिशियस रेसिपीज। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने दो कच्चे केले को बॉईल करके लिया है। इन्हें अभी हमें मैश करना है। मैं फोर्क से मैश कर रही हूँ, आप कैसे भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाली है बारीक कटी हुई एक हरी मिर्च, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद तिल डालें एक छोटा चम्मच, जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर डाला है, 1/4 चम्मच मैंने हींग डाली है, आधा चम्मच से थोड़ी कम हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है, आधा चम्मच मैंने क्रश की हुई सौंफ डाली है, मुझे सौंफ पसंद है इसलिए मैंने डाली। अब इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा बाकी रहा होगा मैश करना, वो भी हो जाएगा। तो अब ये देखिए, हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लेंगे गेहूं का आटा, एक बोल गेहूं का आटा लेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से। तो सबसे पहले हम इसमें पानी नहीं डालने वाले हैं। कसूरी मेथी मैंने थोड़ी सी डाल दी है इसमें। अब इसे अच्छे से पहले मिक्स कर दीजिए, एक दो ऐसे भी बन जाएगा। उसके बाद में फिर भी हम इसमें थोड़ा पानी लेंगे और इसका एक स्मूथ आटा बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी भी डाला है। अब लास्ट में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और इस तरह से इसको अच्छे से मसल देंगे। आटा हमारा चिकना हो जाएगा, बेलने में भी आसानी रहेगी, हाथों में चिपकेगा नहीं। अब रेस्ट के लिए रख देते हैं इसे। अब लेते हैं हम पनीर। तो मैंने यहाँ पर 3 बॉल्स बने उतना पनीर लिया है। उसमें हरी मिर्च, नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला और कसूरी मेथी डाल दी है इसमें, और ये थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने हाथों से इसको अच्छे से मसल दिया है। घर का बना पनीर है, आप ग्रेट करके भी ले सकते हैं। फिर उसकी 3 बॉल्स बनाएंगे, आटे की भी 3 बॉल्स बना देंगे, रेस्ट हो जाएगा उसके बाद में। अब ये देखिए, इस तरह से हम इसे फिल करने वाले हैं। तो आप बहुत ही आसानी से ये फिल हो जाएगा। डस्टिंग करेंगे, बड़ा बेल देंगे, तीनों पहले बना के रख देते हैं। उसके बाद में हम तवा गरम करेंगे, उसके ऊपर घी डालेंगे और इस तरह से इसे सेक लेंगे। तो ये देखिए कितना आसान है ये पराठा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब देखिए, एकदम ही मुलायम बना है, ये सॉफ्ट पराठा बन के रेडी हुआ है। केले का भी है और ये पनीर का भी है। आप बच्चों को भी खिलाएंगे तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे।